बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 2016 मैथमेटिक्स पेपर का। क्वेश्चन है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू एंड वी इज इक्वल टू 5 व्हेन आर इज इक्वल टू 3। फाइंड वी व्हेन आर इज इक्वल टू 6 एंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 320। सबसे पहले तो ये हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी, और हमारे पास क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट ये है एंड से पहले वाला, इसे मैं कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। एंड के बाद ये जो पार्ट है इसे मैं कह सकता हूँ कि ये सेकेंड पार्ट है, और ये सब कुछ जो है ये हमें गिवन है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे जी गिवन दैट वी इज प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, या हम ये भी कह सकते हैं कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। जब हम सिर्फ इस आर क्यूब का नाम लेंगे तो फिर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे, और अगर हम इस पूरे का नाम लेते हैं 1/r³ का, तो फिर हम कह सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ या वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। साइन, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इस साइन को खत्म करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं के, और ये 1/r³ एज इट इज रहेगा। अब यहां से अगर हम इस आर क्यूब को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये के की वैल्यू आ जाएगी, और हम यूं भी लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू वी आर क्यूब। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि V5 है और R V5 है जब R 3 के इक्वल है। V की वैल्यू 5 है जब R 3 के इक्वल है, तो यहां से हम K की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है ये गिवन है कि V 5 है जब R की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो ये V की वैल्यू 5 आ गई, R 3 इक्वल है, तो 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 का क्यूब जो होगा 3 का क्यूब वो इक्वल होगा 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 9 27, यहाँ पे ये 27 आ जाएगा। और k की वैल्यू के लिए हम इस 5 को और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 35, 5 2 10 और 3 13, की वैल्यू जीवन 35 आ चुकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो डायरेक्टली प्रपोजल या इनवर्सली प्रपोजल वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां सबसे पहले हम के की वैल्यू मालूम करते हैं, और हमें वहां पे ये जो दोनों वेरिएबल हैं इस रिलेशन में वी और आर, देखिए यहाँ दोनों की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह जो भी दो वेरिएबल होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, उन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी, सबसे पहले हम के मालूम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने वी के मालूम किया, जब हमें के मालूम हो जाएगा तो फिर हम इस काबिल होंगे कि ये जो दो पार्ट्स हैं इसके सॉल्व कर सकें। अब पहला पार्ट है फाइंड वी व्हेन आर इज इक्वल टू 6। अच्छा, इससे पहले जब हम के की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो ये के की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर मैं यहाँ कह दूं पुट वैल्यू ऑफ के एन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था, के इज इक्वल टू वी आर क्यूब, तो यहां हम कर देते हैं वी आर क्यूब इज इक्वल टू के, वी आर क्यूब इज इक्वल टू के की जगह के की वैल्यू रख देंगे 135। अब इसे जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
अब जब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फाइंड वी व्हेन आर इज इक्वल टू 6। यहां लिख देते हैं वी हमें मालूम करना है आर इज इक्वल टू 6 है। कह देते हैं पुट वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। तो r की जगह हम 6 वैल्यू यहां पुट कर देते हैं यहां पे, अब 6 का क्यूब हम मालूम कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ये 6 का क्यूब 216 आ गया। और वी की वैल्यू आ जाएगी जी 135 डिवाइडेड बाय 216। अभी नहीं देख लेते हैं अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो 6 2 जा 12 सीधे कर लेते हैं 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 यहाँ 3 7 जा 21 3 2 जा फिर देख लेते हैं 3 से हो रहा है 3 1 जा 3 5 था 3 2 था 3 4 था फिर 3 से हो रहा है 3 5 था 3 8 था तो 5 upon 8 आंसर आ गया। वी का कह सकते हैं कि वी का जो आंसर है 5 upon 8 है। सेकंड पार्ट में आर मालूम करना है जब वी की वैल्यू 320 हो, हमें आर की वैल्यू मालूम करनी है वी की वैल्यू 320 है। अगेन हम कहेंगे पुट वी इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन 2, ये आ जाएगा वी आर क्यू इज इक्वल टू 135। आर क्यू की वैल्यू भी मालूम करनी है तो 320 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस जगह वहाँ के डिवाइड में चला जाएगा। अब हम फिर जो है यहाँ पे कटिंग करते हैं, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर के आखिर में 5 है और डिनोमिनेटर के आखिर में 0 है, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 टू 10 और 5 7 जो 35, 5 6 जो 30, 5 4 जो 20। अब ये आ चुके हैं तीन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। कह देंगे आर क्यूब इज इक्वल टू 27 अपॉन 64। अब यहाँ पे आर की वैल्यू मालूम करनी है तो हम कह देते हैं टेकन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आर क्यूब है, अगर यहाँ हम क्यूब रूट लेंगे और इस तरफ भी अगर हम क्यूब रूट ले लेते हैं 27 अपॉन 64 का, तो यहाँ तो ये हुआ कि ये आर क्यूब जो है आर का क्यूब इस क्यूब रूट से कट गया और पे आर आ गया, जबकि राइट साइड पे 27 जो होता है हमें पता है 3 का क्यूब होता है और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। तो अगर हम इसे 3 अपॉन 4 का होल क्यूब लिखते हैं, दोनों के ऊपर क्यूब है, 3 के ऊपर भी क्यूब है 4 के ऊपर भी क्यूब है, अगर हम 3 अपॉन 4 का होल क्यूब लिखते हैं और ये क्यूब जो है इस क्यूब रूट को कट कर दें तो हमारा आर का जो आंसर है वो 3 अपॉन 4 आ जाएगा और यही हमारा जो है सेकेंड पार्ट का आंसर है।